reasons. I'm recording you. Tell me. Tell me. Tell that there is a kid and you can't provide me bag right now. Yeah? What's the issue? What's the issue with bag missing? What is the reason? When was this baggage submitted and when did you all try to load it? And why did you all tell the passenger that bag is not loaded? Able to hear? Are you deaf? Hey, call someone, man. I'm recording you. Tell me. Tell me. Tell that there is a kid and you can't provide me bag right now. Yeah? What's the issue? What's the issue with bag missing? What is the reason? When was this baggage submitted and when did you all try to load it? And why did you all tell the passenger that bag is not loaded? सभी आपने ये वीडियो देखी और भाई इसमें एक ट्रैवलर जो है जो एयर इंडिया का स्टाफ है उनसे बहस कर रहे हैं, उनसे उनको बोल रहे हैं कि भाई आपने बताया नहीं और आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें और बैगेज कहाँ या फिर बैगेज टूट क्यों गया या कुछ नुकसान हो गया, कुछ भी हो जाता है भाई, क्योंकि एयरलाइन कई बार जो स्टाफ है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वो लेते नहीं हैं और भाई कस्टमर का सामान कई बार मिसप्लेस हो जाता है, कई बार बैगेज नहीं मिलता, कई बार तीन तीन चार चार दिन लग जाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी सारे प्रॉब्लम भाई होती हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट की थी, लेकिन बाहर भी जब आप इंटरनेशनल भी ट्रैवल करते हो या कहीं पे भी करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो भाई अब ऐसी चीज़ें ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसे थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें भी हो रही हैं, ताकि आप जब बोर्डिंग पास लेते हो तो दो चीज़ें आपको बताऊंगा, वो थोड़ा ध्यान से सुनना। जब आप बोर्डिंग पास लेते हो तो तब आपको जो स्टाफ है एयरलाइन का उससे थोड़ा सा आप बोलो कि प्रॉपरली हमारा जो लगेज है टाइम से पहुंचा दे, ताकि कोई इशू आपको ना आए जहां पर इंटरनेशनली आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर अगर इंडिया भी आ रहे हो तो भी उसी एयरलाइन के स्टाफ को आप डिस्कस करो, उनको मैंशन करो प्रॉपर कि भाई ऐसे ऐसे हमारा लगेज प्रॉपर तरीके से पहुँचाएँ, ताकि टाइम पे हम रिसीव करें और अपना आगे निकल जाएं जहाँ भी हमको जाना है। और एक चीज़ और है इसके अलावा भाई, अगर आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हो जिसमें कि ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अगर आपका बैगेज लॉस्ट हो जाता है या फिर आपका बैगेज जो है टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग आप ट्रैवल कंपनीज को से क्लेम कर सकते हो, वो आपको क्लेम देगी, तो वो भी एक अलग बेनिफिट है। पॉलिसी बाजार से बहुत सारे ट्रैवल इंश्योरेंस कंपेयर करके मिल जाते हैं, तो वो भी आप उस तरीके से कंपेयर करके अच्छा जो आपको लगे, आपको सूटेबल लगे और आपके बजट में हो, ट्रैवल इंश्योरेंस सस्ते मिल जाते हैं, कोई ज़्यादा पैसे लगते नहीं है इसके लिए, तो वो चीज़ आपके पास बैगेज लॉस का भी कवर करती है, आपके पासपोर्ट लॉस दोनों का भी कवर करती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ट्रैवल इंश्योरेंस में, अगर आप लेते हो, अगर आपको लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके बेस्ट सबसे बेस्ट अपने लिए आप सेलेक्ट कर सकते हो, खुद ही कर सकते हो, किसी एजेंट से कराने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से खुद ही घर पे कर सकते हो। तो इस तरीके का सिनेरियो होता है, तो भाई मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये भी शेयर करना चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे और आपका जो ट्रैवल है वो स्मूथली आप ट्रैवल कर पाएं। कई बंदे मुझे मैसेज किया, कई बंदों ने कि सर हमारा ना हमारे लगेज पूरा अभी तक मिला नहीं है, 20 दिन हो गए हैं, और उसमें भाई कीमती सामान होता है, 50-50 हज़ार 60-60 हज़ार का सामान भी बैगेज के अंदर होता है, तो भाई अगर जिसका वो गुम हो जाए तो भाई फिर वो उसके पास रहेगा क्या? या मान लो कि आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो और आपका बैगेज जो है मिसप्लेस हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, राइट? तो मतलब बहुत बड़ा नुकसान होता है आपका, क्योंकि सारा जो चीज़ें मैनेज करके आप उसमें डालते हो अपने लगेज में, और वो भी अगर मिसप्लेस हो जाए या फिर टूट जाए या फिर किसी तरीके से कोई सामान उसमें से निकल जाए तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई थोड़ा सा ध्यान रखो, एयरलाइन से डिस्कस करो, जब आप काउंटर बोर्डिंग पास लेते हो अपना लगेज चेक इन कराते हो तो उनको प्रॉपरली बोलो कि ऑन टाइम इसको पहुँचाए। सेकेंड चीज़ फॉर द सेफर साइड, आप एक ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो,
जिसमें कि आपका जो बैगेज लॉस है या फिर बैगेज डैमेज का भी है वो भी कवर हो, और आगे आपको अगर कोई क्लेम लेना हो तो आप उस कंपनी से क्लेम ले सको। कैसे लेना है तो और कैसे बुक करना है वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो एक बार चेकआउट जरूर करना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।